नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ दो। पाठ का नाम है मैं नहीं। तो आइए शुरू करें। हम सब एक दूसरे से अलग है, शक्ल में भी अक्ल में भी। नन्हे चूजे ने नन्ही बत्तख की नकल की, देखिए क्या हालत हुई उसकी। उच्चारण अभ्यास, इसे हम बोलकर पढ़ेंगे। बत्तख, मुर्गी, सहेलियाँ, मिट्टी, झूलूंगी, नन्ही। चलिए ध्यान दीजिए। एक थी बत्तख और एक थी मुर्गी, दोनों सहेलियाँ थी। दोनों ने अंडे दिए। बत्तख के अंडे में से निकली नन्ही सी बत्तख, मुर्गी के अंडे में से निकला नन्हा सा चूजा। बच्चों, बत्तख और मुर्गी दोनों एक दूसरे के सहेलियाँ यानी मित्र थे और दोनों ने अंडे दिए। तो बत्तख के अंडे में से क्या निकला? नन्ही सी बत्तख, और मुर्गी के अंडे में से निकला एक नन्हा सा चूजा। आगे ध्यान दीजिए। बत्तख और मुर्गी ने दोनों से कहा, तुम दोनों हमेशा साथ साथ रहना। जहाँ जहाँ नन्ही बत्तख जाती, साथ साथ चूजा भी जाता। जो काम नन्ही बत्तख करती, वही काम चूजा भी करता। नन्ही बत्तख बोली, मैं घूमने जा रही हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे बत्तख और मुर्गी दोनों ने क्या कहा अपने बच्चों से कि तुम दोनों साथ साथ ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना। अब जो काम बत्तख करती थी, वही काम चूजा भी करता था। ठीक है, एक दिन नन्ही बत्तख बोली, मैं घूमने जा रही हूँ। चलिए अब हम दूसरे पेज पर चलते हैं। यहाँ देखिए, चूजा बोला, मैं भी। नन्ही बत्तख ने कहा, मैं तो मिट्टी खोदकर कीड़े निकालूंगी। चूजा बोला, मैं भी। नन्ही बत्तख बोली, मैं तो नाचूंगी गाऊंगी। चूजा बोला, मैं भी। तो बच्चों, यहाँ पे जो काम नन्ही बत्तख करती थी, वही काम चूजा करता था। बत्तख बोलती थी कि मैं मिट्टी खोदूंगी, तो वो भी बोलता था, मैं भी। वो बोलती थी कि मैं नाचूंगी और गाऊंगी, तो चूजा क्या बोलता था कि मैं भी। आगे देखिए, दोनों नाचने गाने लगे। नन्ही बत्तख बोली, मैं तो झूला झूलूंगी। चूजा बोला, मैं भी। दोनों ने डाल पर बैठकर झूला झूला। नन्ही बत्तख बोली, मैं तो पानी में तैरूंगी। चूजा बोला, मैं भी। बच्चों, यहाँ पे नन्ही बत्तख बोली, मैं झूला झूलूंगी, तो चूजा ने क्या कहा, मैं भी। मतलब दोनों मिलकर झूला झूले। फिर नन्ही बत्तख बोली, मैं तो पानी में तैरूंगी, तो चूजा क्या बोल रहा है, देखिए, मैं भी। ये आगे ध्यान दीजिए। बत्तख पानी में तैरने लगी, चूजा पानी में डूबने लगा। वह चिल्लाया, बचाओ। नन्ही बत्तख ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। चूजा डर से कांप रहा था। नन्ही बत्तख बोली, मैं फिर जा रही हूँ तैरने। चूजा बोला, मैं नहीं, मैं नहीं। चूजा क्या कह रहा है, मैं नहीं, मैं नहीं। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, जो बत्तख है वो तो पानी में तैरता है, पर मुर्गी का बच्चा कैसे तैरेगा? मुर्गी आपने देखा है, पानी में रहती है, नहीं रहती है ना। तो देखिए, बत्तख तो तैरने लगा, पर मुर्गी का बच्चा पानी में डूबने लगा, और डूबने लगा तो जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ। फिर जो नन्ही चूजा है, नन्ही बत्तख ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। ठीक है, जो बत्तख है, बत्तख के बच्चे ने चूजे को बाहर निकाला पानी से, और वो फिर से पानी में तैरने लगी। तो चूजा क्या कह रहा है, डर के मारे, मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मैं नहीं। तो मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।